दोस्तों इस वीडियो में हम शुरू से बोलेंगे। हेलो दोस्तों इस वीडियो के साथ हम शुरू कर रहे हैं मांग का प्रकट अधिमान सिद्धांत यानी कि रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। और इस पूरे के पूरे टॉपिक पर हम दो वीडियो बनाने वाले हैं बच्चों, जिसमें से दूसरी वीडियो प्राइवेट रहेगी। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि हम यूजी पीजी यूजीसी नेट पीजीटी इकोनॉमिक्स और भी कई तरीके के कोर्सेज बना रहे हैं, जो कि सारी की सारी वीडियो जो है वो आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में ही मिलेंगे। उसके अलावा टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट्स भी हैं आप हमारी ऐप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। और इस वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार रिवील्ड प्रेफरेंस से क्या मतलब है सैमुएलसन का। और दूसरी जो पार्ट है उसमें हम आपको बताएंगे कि आखिरकार डिमांड कर्व कैसे डेरिवेट होता है अकॉर्डिंग टू रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप समझ लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले प्रकट अधिमान सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो प्रोफेसर मार्शल सैमुएलसन ने किया। आपको ये जरूर याद रहना चाहिए कि किसने इसका प्रतिपादन किया। और इसको मांग का तार्किक सिद्धांत का तीसरा मूल भी कहते हैं। देखिए मार्क जिसे इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, मार्शल का उपयोगिता विश्लेषण जिससे मांग वक्र की व्युत्पत्ति हुई थी, वो पहला सिद्धांत था। दूसरा हमने इंडिफरेंस कर्व से यानी कि जो हिक्स का है तटस्थता वक्र, उससे भी हमने आप कह सकते हो कि मांग वक्र की व्युत्पत्ति की। तीसरा सैमुएलसन के रिवील्ड प्रेफरेंस से भी यानी कि प्रकट अधिमान सिद्धांत से भी हम मांग वक्र की व्युत्पत्ति करके आपको दिखाएंगे। इसीलिए इसको तार्किक सिद्धांत का तीसरा मूल भी मानते हैं। और ये जो है ये व्यवहारिक दृष्टिकोण पर डिपेंड करता है। इससे पहले जो मार्शल का उपयोगिता विश्लेषण था या हिक्स का तटस्थता विश्लेषण था वो मनोवैज्ञानिक दृष्टि पर डिपेंड करते थे और ये व्यवहारिक दृष्टिकोण पर डिपेंड करता है। तो किस तरीके से बच्चों ये पूरी की पूरी थ्योरी है इसको समझाएं, उससे पहले कुछ मान्यताएं दी हुई हैं वो हमें ध्यान से समझ लेनी है। सबसे पहला दो वस्तु, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने माना है कि दो वस्तु है, जैसे एक्स वस्तु और वाई वस्तु, जैसे कि हमने तटस्थता वक्र में माना था। ठीक है, ये इसलिए किया गया है ताकि हमारा जो एनालिसिस है वो सिंपल बना रहे। इसके अलावा तटस्था वक्र की एक और मान्यता थी जिसमें हमने माना था कि उपभोक्ता विचारवान है, वो भी यहाँ पे माना गया है। उपभोक्ता विचारवान का क्या मतलब है? उपभोक्ता विचारवान का मतलब है कि उपभोक्ता जो है वो फैसले ले सकता है, दी गई आय में दी गई कीमतों में वो अपने संतुष्टि के स्तर को अधिकतम करने का प्रयास करेगा। यानी कि उपभोक्ता को विचारवान मानना सही फैसला लेने के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा बच्चों सामंजस्यता और संक्रमकता का जो सिद्धांत है वो भी हमने जो आपको कह सकते हो कि जो इंडिफरेंस कर्व है जो तटस्था वक्र है उसमें पढ़ा था। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। सामंजस्यता का मतलब है कि अगर उपभोक्ता ए को पसंद करता है बी की तुलना में एक परिस्थिति में, मान लीजिए ए कंडीशन में परिस्थिति में, ठीक है, तो दूसरी परिस्थिति में भी वो ए को ही पसंद करेगा, ये हमने माना है। यानी कि अगर आप गर्मियों में आइसक्रीम पसंद करते हो और जो कॉफ़ी है उसे कम पसंद करते हो, तो परिस्थिति बदलने से आप ऐसा नहीं है कि अपनी पसंद बदल लोगे, आप दूसरी परिस्थिति में भी आइसक्रीम को ही खाओगे कॉफ़ी को नहीं पियोगे, ये इसकी मान्यता है। यानी कि अगर देश बदल जाए परिस्थिति बदल जाए समय बदल जाए लेकिन उपभोक्ता जिस संयोग को चुनाव करता है यानी कि जिस चीज़ को वो पसंद करता है वो उसी को पसंद करता रहेगा, उसकी पर उस वो उसकी पसंदगी में कोई सी भी तरीके का चेंज नहीं आएगा। इसको बोलते हैं बच्चों सामंजस्यता का सिद्धांत। संक्रमकता का सिद्धांत कहता है कि अगर आप ए को प्रेफर करते हो बी की तुलना में, ए को प्रेफर करते हो और बी को पसंद करते हो सी की तुलना में, तो ए और सी के चुनाव में आप ए को ही चुनोगे क्योंकि आपने किसी और परिस्थिति में ए का चुनाव किया था बी की तुलना में और बी का चुनाव किया था सी की तुलना में, तो ए का ही चुनाव करोगे सी का चुनाव आप नहीं करोगे, ये मानना है संक्रमकता का। बच्चों किसी भी सिद्धांत को बनाने में खासतौर पे जिसमें आपको उपभोक्ता का संतुलन दिखाना है उसके व्यवहार को आपको कॉन्स्टेंट मानना ही पड़ेगा। सबसे बड़ा जो बच्चों अंतर है वो है कठोर क्रम का, स्ट्रांग ऑर्डर का। देखिए जो मैं आपको जरूर समझाने की कोशिश करूंगा कठोर क्रम का क्या मतलब है और वीक ऑर्डर का क्या मतलब है। देखिए एक तो है सबल क्रम या सबल क्रम बोलते हैं इसको, वीक ऑर्डर सबल क्रम, और एक होता है कठोर क्रम स्ट्रांग ऑर्डर। दोनों में क्या अंतर है बहुत ध्यान से समझिएगा। ए बराबर बी बराबर सी, अगर आपने ए को चुना इसका मतलब यह हुआ कि आप ए को बी की तुलना में चुन रहे हो,
क्योंकि ए और बी या तो समान है या ए बी से अच्छा है। मतलब आपने अगर ए को चुना है तो इसका मतलब है कि ए बी के समान है, यानी कि यहाँ पर सबल क्रम का मतलब है कि यहाँ पर एक दूसरे को बराबर भी माना जा सकता है। कठोर क्रम कहता है कि अगर ए बी को, अगर आपने ए को चुना है बी को छोड़ा है, तो ए और बी कभी भी बराबर नहीं हो सकते। क्यों बराबर नहीं हो सकते? क्योंकि तभी तो आपने ए को चुना है, क्योंकि आपने एक परिस्थिति में बी को छोड़ा इसीलिए क्योंकि वो घटिया था ए के कंपेयर में। दोनों में फर्क यह है कि ये इस मान्यता को लेकर चलता है कि अगर आपने ए को चुना है, ए को चुना है, अगर आपने ए को क्या है चुनाव किया है, तो या तो ए बी से अच्छा होगा या ए और बी बराबर बराबर होंगी, ये वो कहना चाह रहा है। कठोर क्रम कहता है कि अगर आपने ए को चुना है तो ए बी से अच्छा ही होगा, ए और बी बराबर नहीं हो सकते। यही दोनों में डिफरेंस है, कठोर क्रम में और स्ट्रॉन्ग क्रम में। यानी कि सबल क्रम कह रहा है कि अगर आपने ए को चुना है तो या तो ए बी से अच्छा होगा या ए बी के बराबर होगा, लेकिन कठोर क्रम कहता है कि ऐसा नहीं है भैया, अगर आपने ए को चुना है तो ए जो है वो बढ़िया होगा, बेहतर होगा बी के मुकाबले। ये सिंपल भाषा में हमें समझना है। इसके अलावा बच्चों धनात्मक आयलोच, देखिए धनात्मक आयलोच का क्या मतलब है वो भी हमें समझना पड़ेगा। आयलोच धनात्मक का मतलब यहाँ पे जो कंसिडरेशन किया जाता है प्रकट अधिमान सिद्धांत में, उस सामान्य वस्तु का किया जाता है। यानी कि इसमें हम ये बाद में प्रूफ करेंगे कि जिस वस्तु की कीमत घटने से, सॉरी जिस वस्तु की कीमत घटने से मांग बढ़ती है, यानी कि कीमत घटने से मांग बढ़ती है, तो डेफिनेटली आय बढ़ने पर उसकी जो मांग है वो भी बढ़ेगी। ये हम आज बाद में प्रूफ करके आपको दिखाएंगे। तो बच्चों ये मान्यता है। इसके अलावा एक लेख लिखा था सैमुएलसन ने 1948 में, कंजम्पशन थ्योरी इन टर्म ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस, उसमें अपने विचार दिए। और जो विचार है वो क्या है कि जब एक उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदने का निर्णय लेता है, देखिए अब हम आपको समझा रहे हैं कंसेप्ट क्या है कि जब एक उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदने का निर्णय लेता है, यानी कि उपभोक्ता ये फैसला ले ले कि उससे वस्तु खरीदनी है, तो ऐसा नहीं है कि वो मार्केट जाता है सीधा वस्तु खरीद लेता है, बल्कि उसके लिए कई सारे फैसले करने पड़ते हैं। यानी कि या तो उपभोक्ता उस वस्तुओं को दूसरे की तुलना में अधिक पसंद करता है। मान लीजिए मैंने क्या किया, सपोज कीजिए तीन कारें थी, मैं आपको एक एग्जांपल के लिए यहीं बता देता हूं क्योंकि और कहीं जगह नहीं है हमारे पास में। मान लीजिए ए कार थी, बी कार थी और सी कार थी, मैंने ए को चुना, ठीक है, ए बी सी में से मैंने ए कार को चुना। तो क्यों चुना, यहां पर इस बात में बारे में, अब हिक्स का तो कहता है कि या तो ए और बी बराबर है या ए बी से, ए और बी बराबर है या ए बी से अच्छा है, जो कि हमने हिक्स में पढ़ा हुआ है। सैमुएलसन कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, अगर आपने ए को चुना है तो इसका मतलब यह है कि दो वजह हो सकती है। पहला, उपभोक्ता या तो इस संयोग को पसंद करता है इसके मुकाबले, यानी कि बी और सी के कंपेयर में या तो उपभोक्ता ए को पसंद करता है, या हो सकता है कि बी और सी इतने महंगे हों कि उपभोक्ता उनको खरीद ही ना सके। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ए संयोग है, मान लीजिए ये बी संयोग है, मान लीजिए ये सी संयोग है, मान लीजिए ये डी संयोग है, और भी बना सकते हैं लेकिन मैंने इसको चुना, ये मैंने चुन लिया ए को। तो मैंने ये क्यों चुना, तीन वजह, दो वजह हो सकती है। पहला, या तो मुझे इन चारों के मुकाबले ए पसंद है, दूसरा मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मैं डी या बी या सी को खरीद सकूं। तो जब तक कीमत के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी तब आप तक आप निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि ए जो है वो स्ट्रांग ऑर्डर में है या नहीं है, यानी कि ए श्रेष्ठ है या नहीं है। यानी कि उपभोक्ता ए और बी में से अगर ए को चुनता है या डी को नहीं चुनता या इसी को नहीं चुनता, तो आप निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि ए और बी जो है वो, मतलब ए के कंपेयर में बी अच्छा है या खराब है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा भी संभव है कि ए वो इसलिए खरीद रहा हो क्योंकि वो डी तक पहुंच ही नहीं सकता क्योंकि डी की कीमत ऊंची है। तो इसके लिए आपको एक कीमत रेखा की जानकारी होनी चाहिए, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि इसकी कीमत 5 लाख है, इसकी कीमत भी 5 लाख है और इसकी कीमत मान लीजिए 4 लाख है, ठीक है, 4 लाख में हम इसे खरीद सकते हैं, और ये आएगी मान लीजिए 10 लाख में। मान लीजिए 4 कार हैं, यानी कि ए और बी को हम 5-5 लाख में खरीद सकते हैं, सी 4 लाख में मिलेगी और डी जो है वो मिलेगी 10 लाख में। तो इसका मतलब ये हमारी एक बजट रेखा हो गई जो इन पॉइंटों को स्पर्श करती हुई जाती है। मान लीजिए बी भी इसी पॉइंट पर आ जाता है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ठीक है। तब इस तौर में आप निश्चित तौर पर डी को तो खरीद ही नहीं सकते। क्यों नहीं खरीद सकते, क्योंकि आपने ए को 5 लाख में चुना है,
ये भी 5 लाख में थी मान लो, और ये 4 लाख में अवेलेबल थी, ये 10 लाख में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस कंडीशन में आप ये कह सकते हो, जब आपने ए को चुना है बी और सी को छोड़कर, कि उपभोक्ता ए को अधिक पसंद करता है बी और सी के मुकाबले, क्योंकि उपभोक्ता ने बजट रेखा के अंदर जितने भी पॉइंट हैं उनमें से केवल ए को चुना। ये बच्चों बेसिक कंसेप्ट है जो सैमुएलसन समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि कीमत के बारे में सही जानकारी होने पर ही यह कहा जा सकता है कि ए बी की तुलना में प्रकट अधिमान है या नहीं है। बेसिक कंक्लूजन क्या है इस पूरे के पूरे कंसेप्ट का, कि यदि किसी सहयोग से स्पर्श करते हुए एक बजट रेखा खींची जाए, ठीक है, तब बजट रेखा के अन्य सभी सहयोग निम्न घोषित किए जा सकते हैं, यानी कि एक तब और जिसको चुनाव किया है उसके मुकाबले बाकी के सारे जो सहयोग हैं वो निम्न हैं, ठीक है। और ये है बच्चों पूरा का पूरा कंसेप्ट जो मुझे आपको समझाना था। इसके अलावा बच्चों अगली जो पार्ट है सेकंड पार्ट, उसमें हम आपको डिमांड कर्व को कैसे डेरिवेट करते हैं रिवील्ड प्रेफरेंस के थ्योरी के थ्रू, वो भी हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।